उनके साथ विंटर स्पोर्ट्स कुछ फैसिलिटीज हुई थी यहाँ पर, उन्होंने बिल्कुल साफ किया है रोड। देखो यहाँ दूधपत्री में बर्फ, लुक एट दिस मैसिव भाई स्नो, इधर जाएगा कौन? ध्यान से आराम से पकुन ना लग दब। बहरहाल लुक एट द ब्यूटी मैन, तो हाँ पेश करते हैं आज आपको एक खूबसूरत जगह ले जाएंगे जिसका नाम है दूध पथरी। सो लेट्स एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल नेचर ऑफ कश्मीर एंड दीज हेवनली प्लेसेस लोकेटेड इनसाइड कश्मीर। वीडियो को जो पुर कर जो शेयर, यही तो एहसास हमें कश्मीरी बनाता है और ये है हमारा सुकून कश्मीर। ओहो भाई ये है जन्नत का नज़ारा। बायन तो बेनन सलाम, बड़ मज़े इस खराब गिस तसवर शफी शु मैसेज में बोए पानून ऑन वी आर रियली एंजॉइंग एंड लुक एट दिस फील्ड ना ये सुपोर्शन ये तन तो पानून फोटोग्राफी है क्यों स्लो मोशन से क्योंकि रील्स बना सकते हो। लुक एट इट मैसिव, कुछ मज़ लुत्फा। आई मीन आप एज्यूम करो आप यहाँ अकेले हो, अकेले पूरे कुनी जुन। सो फर्स्ट पोर्शन चु ये लुक एट दिस वास्ट पोर्शन, ये जो वो वाला मीडो फील्ड है जब आप आते हो, अगर आपको पिछले साल का वीडियो दिखाऊंगा पूरा ग्रीन का ग्रीन है। लुक एट दिस मैसिव फिल्टर ऑटोमेटिक है भाई, नो कलर रेडिंग, तासी बिजी है। और ये देखिए दिस इज द वास्ट फील्ड, यहाँ पर कुछ देर रुकते हैं, वी विल ट्राई टू एंजॉय। एंड आप लोगों को भी उम्मीद है गुलमर्ग से अच्छी जगह मुझे यही लगती है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होते, अपना एक अलग दुनिया में एंजॉय कर सकते हो। बट अब कोशिश करें मंडे ट्यूसडे वेंसडे यमुने दोनों के सुन, बाकी जगहों पे ज़्यादा लोग होते हैं तो हम ऑलवेज हम क्या मतलब कश्मीर लस्ट ऑलवेज ट्राइज की जहाँ डिफरेंट डिफरेंट माहौल की चीज़ें होती हैं, खामोशी वाली चीज़ें वो आपके सामने लाते हैं। तो इस वाले फील्ड पे तो हमने काम कर लिया, चलो थोड़ा बहुत रोल कर लेते हैं। रोल क्या होता है? रोल होता ही है ये रहे हैं अभी आगे जाना है वो वाले रास्ते पर। देखिए स्टिल गवर्नमेंट ने एक अच्छी काम की है इस बार, रोड्स आर क्लियर। लुक एट दैट रोड, ये है दूधपत्री का अंदर वाला रोड, ये देखिए ये बिल्कुल रोड वहां तक जा रहा है। अब हम नेक्स्ट वाले पोर्शन में जाएंगे, अब हम आगे जा रहे हैं, आगे का रास्ता हसीन होने वाला गाइस, बहुत मजे आ रहे हैं। अब हम जंगल वाले रास्ते पे जाएंगे नोमैडिक लैंड में भाई। लुक एट दिस ब्यूटीफुल लैंड कॉल्ड दूधपत्री इन विंटर्स। गुलमर्ग से मुझे ज्यादा, एक तो हमारे यहाँ नजदीक है बडगाम साइड वालों को, और मुझे लगता है गुलमर्ग ओवर क्राउडेड है, ओवर हाइप्ड है। बात के साथ साफ मेंटेन है हम उस बात के, दूधपत्री के जो आगे क्रॉस करते ना अंदर वाला रास्ता, देखो बिकॉज ऑफ विंटर स्पोर्ट्स कुछ फैसिलिटीज हुई थी यहाँ पर, उन्होंने बिल्कुल साफ किया है रोड। देखो बट भगवान ने परफेक्ट छो, बट शुक्र आराम से लेकिन नफर ये छीन तो बिछू तो दूधपत्री में। अभी ये है दूधपत्री में बर्फ, लुक एट दिस मैसिव भाई स्नो, इधर जाएगा कौन? ओ भाई साहब। एंड ये आगे वाला रोड तो आप देख ही रहे हैं, मजबलाए मजबलाए खंड जाहिर है। वॉच बिल्कुल अभी और ये हाँ वहाँ तक आपको गाड़ी जाती है, वहाँ से आपको आना है इधर, तो टेक्निकली हम आ रहे हैं यहाँ से। सो लुक एट दिस पीपल। ओ भाई अख चीज दूधपत्री भरोसा क्या वन ताफ वन गो उबर, हम वही सोच रहे हैं यहाँ पे धूप भी है, अभी धूप है भी नहीं। ये जब आप यहाँ आते हो ना किसी भी एरिया में, खासकर दूधपत्री का इस देखिए ये ऊपर वाला एरिया, हटमंड से भी ऊपर वाला एरिया है, यहाँ से आगे जाओगे कहाँ? बिकॉज रास्ता है नहीं, फिर यही हॉर्स राइडिंग करके आगे जाना पड़ेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं ये नोमैडिक लैंड जो है, यहाँ गुजर बकरवाल कम्युनिटी के डोके भी लगे हैं, तो यहीं पे हम कुछ कर रहे हैं एंड क्या करें, बट बहुत मज़ा आ रहा है, वी रियली एंजॉइंग दिस। आई होप ये व्लॉग आप बिल्कुल एंड तक देखें और शेयर भी करें, चाहे आप फेसबुक पे हैं, चाहे आप यूट्यूब पर हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पर हैं।
फिलहाल रायसीम एरिया में अब आगे बढ़ते हैं, मज़ा आ रहा है। सीरियसली बीच में कश्मीरी करनी पड़ती है क्या बुशकोशुर, बाकी हिंदी में या उर्दू में बातें, बिकॉज नॉन कश्मीरी लोग भी देखते हैं चैनल्स को, उनको समझ नहीं आएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस रोड, यहाँ से देखें क्या नज़ारे हैं, लुक एट इट। यहाँ पे घर बस जाता तो क्या बात जिंदगी बन जाती है। एंड ब्यूटीफुल मॉस्क, लुक एट दिस एरिया मैन, अमेजिंग है ना। वो छोटे पान कूता अलग ही इंसान, मतलब शीन पहन भी जब स्नो पड़ता है ना तब अलग मज़ा आता है, लेकिन स्नो पड़ने के बाद जब जम जाता है, लुक एट दिस क्रिस्प, ये क्रिस्पी है भाई। एंड ये है हमारी दूधपत्री, एंड क्या कहें, इंपॉर्टेंट ये देखिए, हमारे जो टूरिस्ट लोग हैं वो आते हैं तो उसके मजीद यहाँ पर लगभग ये कोई 8-9 साल पुराना एक छोटा सा ढाबा है, तो यू जस्ट नीड टू हैव टी, अच्छे जरूरी चाय ढाब, आप यहाँ आ सकते हो तो क्योंकि ये दिन चाय वाय चाहिए आराम से, क्योंकि पहले भी यहाँ ढाबे होते थे। लुक एट दिस प्लेस, अमेजिंग है ना। बिरन सलाम, एच एस वसीम भाई करा, छोटा सा इनका स्टॉल है यहाँ पर दूध पथरी में। हमारे पास कुकीज़ हैं, हमारे पास मैगी है भाई, और हमारे पास कप्स हैं, लबास्ती रोटियाँ भी हैं। तो भाई हम घुस गए अंदर ज़बरदस्ती, मानो ने क्या आशुषण कोशुर बोए बिन क्या शुरू करा, सर्व करा सोसाइटी टूरिस्टन करा सर्व, ये अच्छे लाकेट बोए इन पे। तो ये है यहाँ का ढाबा, जब आप सर्दी में आते हो ना टूरिस्ट बनकर, श्रीनगर ना खसा मज़ अस बोए अच्छी टूरिस्ट आसान, तो ये तो हेको चाय वह ज़बरदस्त चाय चे, चमो चाय वनो पे जायको क्यों हो। ये है चाय बन रही है हमारी, तो भाई यहाँ पर इस स्पॉट से बाहर निकलते हैं, हटमेंट एरिया है, दिस इज द हटमेंट एरिया। आगे भी देख लो, देखो भाई यहाँ पर जल रही है आग, इसको अंदर जबरदस्ती। ओहो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तसा भाई आग सेक रहे हैं। यहाँ पर एक पोर्शन, यहाँ पर एक स्टूल, आप यहाँ बैठ सकते हो, प्राणी सादगी वाली, जमाने में 1960 में चले गए। हाँ वो भी दिखाते हैं उसको अभी। तो भाई लोग चाय आ गए, देखिए नेस्कैफे, नेस्कैफे, नेस्कैफे नहीं है लिप्टन चाय है जो घर में बनती है। ओ भाई साहब ये बरसों देर तक वो कर। सो गाइस उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको बेहद पसंद आया होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, टूरिस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था, और ये जो हमारे भाई जो ढाबा चलाते हैं वहाँ पर छोटा सा वो भी था, बहुत चीज़ें मिली इसमें आपको, और लास्ट में मिल गए हम। तो मेक श्योर आप बेल आइकन सब्सक्राइब करें यूट्यूब हमारा, अगर आप फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो बाइंद बेनन सिर्फ एक रिक्वेस्ट ज़रूर शेयर किया करें, बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग्स बनाने में। एंड बाकी कोई डिस्क्रिप्शन में नीचे देखें हमारा इंस्टाग्राम, हमारा यूट्यूब, ट्विटर, सारे लिंक्स नीचे, फॉलो करते रहें।